नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूँ आपके अपने ही चैनल आर्टो के जिस टाइम में। आशा करूंगा आपको आज का वीडियो अच्छा लगेगा और हमारे पहले वाले वीडियो भी आपको अच्छे लगे होंगे। अगर लगे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही साथ घंटों को दबाना ना भूलिएगा, प्लस लाइक बटन दबाना ना भूलिएगा। तो चलिए देखते हैं आज की डेली डोज और पता लगाते हैं टेक न्यूज और ऑटोमोबाइल्स के बारे में। चलिए दोस्तों पता लगाते हैं आज के डेली डोज के बारे में और आशा करूंगा आपको कल वाला डेली डोज अच्छा लगा होगा। और जैसा हम रोज कहते हैं कि हमारा जो डेली डोज है हो सकता है बड़ा, तो उसके लिए हम माफी चाहेंगे और आशा करूंगा आप पूरा डेली डोज देख कर आपको मजा आएगा। तो यहाँ सबसे पहले डेली डोज की बात करें तो यहाँ आ रही है LG Q6 है। यहाँ हाल ही में 1.2 GB का अपडेट आया है जिसके अंदर एंड्रॉइड OS का यहाँ अपग्रेड कर दिया गया है और यहाँ आपको बहुत सारी चीजें जो है वो इम्प्रूव कर दी है। जैसा आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं, ये हमारे पास जो LG Q6 जिसका हम रिव्यू भी कर चुके हैं ये उससे ही हमने लिए है और यहाँ हम इसका जल्दी वीडियो लेके आने वाले हैं। हमने देखा है कि कैमरा पहले से थोड़ा बेहतर हुआ है और बहुत सारी चीजें हैं जिसमें हमको इम्प्रूवमेंट लगा है। तो जल्दी हम आपके लिए LG Q6 का वीडियो लाएंगे और वहां बताएंगे क्या नया अपडेट है। तो यहाँ पर आपके पास भी अगर LG Q6 है तो अपडेट कीजिए और देखिए क्या आपको नया अपडेट पसंद आया या नहीं आया, तो बताइएगा जरूर से कमेंट के द्वारा। तो दोस्तों बात करें अगली डेली डोज की, तो अगला डेली डोज आ रहा है मारुति सुजुकी से। यहाँ पर आप जानते हैं कि बलेनो जो है वो बहुत फेमस है और जब से ये लॉन्च हुई है अराउंड कंपनी ने 4,50,000 यहाँ बेच चुकी है और यहाँ पर आप ये भी देखिए कि 18,000 यूनिट हर महीने बेची जाती है। तो यहाँ डिमांड बहुत है और इसी डिमांड को पूरी करने के लिए कंपनी अब यहाँ पे जो प्रोडक्शन है उसे इंक्रीज कर रही है और ज्यादा से ज्यादा बलेनो यहाँ बना रही है। यहाँ पर आप जानते भी है जैसे अभी गणेश चतुर्थी चल रही है, फिर 10 तारीख से यहाँ नवरात्रि स्टार्ट हो जाएगी और फिर दिवाली आ जाएगी, तो ये एक सिलसिला चलेगा पूरे त्योहार का। तो इस टाइम हम इंडियंस और हिंदू में माना भी जाता है कि इन समय पे गाड़ी या कुछ भी चीज खरीदे तो वो अच्छी होती है। तो यहाँ पर इसी को देखते हुए कंपनी और प्रोडक्शन को बढ़ा रही है, तो आने वाले टाइम में आपका जो टाइम पीरियड है वो कम हो जाएगा, तो आप जल्दी से जल्दी बलेनो अपने घर ले जा सकेंगे। तो ये एक अच्छी न्यूज है और देखते हैं क्या होता है और कितनी इस बार सेल होती है इन फेस्टिव सीजन के अंदर। तो बताइए क्या आपको भी पसंद है बलेनो, मारुति सुजुकी की कोई कार और पसंद है तो बताइएगा जरूर से, या फिर आप सोच रहे हैं कोई नई कार खरीदने के लिए परंतु आप कंफ्यूज हैं तो बताइएगा, हम आपकी मदद कर सकते हैं। तो कमेंट कीजिए और बताइए। बात करें अगली डेली डोज की, तो अगला डेली डोज आ रहा है रेजर फोन 2 से रिलेटेड। यहाँ पर कुछ और रेंडर सामने आए हैं या कुछ फोटो लीक्स हो गए हैं और यहाँ पर बताया जा रहा है इसका फ्रंट लुक। और जैसा हमने कहा था कि आपको यहाँ ज्यादा कुछ चेंजेस देखने को नहीं मिल रहे हैं, यहाँ पे सिर्फ आप देख सकते हैं अपनी स्क्रीन पे एक तरफ है पुराना वाला और एक तरफ है नया वाला, जिसके अंदर आप देख सकते हैं आपको नया वॉलपेपर मिल रहा है। साथ ही साथ जो बेजल्स हैं मतलब जो डेड पिक्सल भी कहते हैं उसे यहाँ और ज्यादा दिख रहा है, यानी ज्यादा मोटा कर दिया है, तो ये चीज हमारे को इतनी खास नहीं लगी है। साथ ही साथ आप कैमरा मॉड्यूल देखेंगे तो वो दूर दूर लग रहा है, तो ऐसा कोई खास चेंजेस नहीं है। और सारी फीचर आपको हम बता ही चुके हैं N22 वाले बेंचमार्क के अंदर और यहाँ पर अब देखते हैं क्या होता है फाइनल प्रोडक्ट, क्या क्या हमारे को और फीचर देखने को मिलते हैं। तो वेट करते हैं और देखते हैं क्या रेजर फोन 2 के अंदर देखने को मिलता है इस बार। तो आप बताइए क्या सोचते हैं इसके बारे में और क्या आप वेट कर रहे हैं Asus ROG फोन का या फिर कोई और गेमिंग फोन का, तो कमेंट कीजिए और बताइए। बात करें अगली डेली डोज की, तो अगला डेली डोज एप्पल आईफोन से है। जैसा हम कल आपको बता ही चुके हैं कि क्या फ्यूचर मिल रहा है और क्या क्या चीजें यहाँ मिल रही है। अब यहाँ बात कर लेते हैं इसकी अवेलेबिलिटी की, तो 26 अक्टूबर से आपका जो XR है यानी R सीरीज है वो आपको 26 तारीख से मिल जाएगा। वही जो आपका S और S Max है वो आपको 28 सितंबर से मिलना स्टार्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे बात करें प्राइसिंग की, तो जैसा हम बता चुके हैं 76,900 से ये प्राइस स्टार्ट होगी R की और जाके खत्म होगी S Max जो कि सबसे हाईर वेरिएंट है 512 GB वाला, उसकी प्राइस रेंज होने वाली 1,44,900। जी हाँ, हमने कहा था आपको किडनी तो सेल करनी पड़ेगी परंतु इस बार एक किडनी से काम नहीं चलेगा, तो थोड़ा और देख लीजिए कोई बॉडी पार्ट आपका सही सलामत हो तो उसे भी सेल दीजिएगा। और यहाँ पे एक और चीज शेयर कर देते हैं कि एप्पल के आईफोन का कोई सा भी मॉडल आप खरीदते हैं तो आपको वहां पर USB Type-C वाला डोंगल देखने को नहीं मिलेगा। जी हाँ, यहाँ पे इसे भी हटा दिया है, तो
यहाँ पर पता नहीं एप्पल क्या करना चाहती है और किस प्रकार से मार्केट को लाना चाहती है समझ में नहीं आ रहा, क्योंकि प्राइस रेंज बहुत ज्यादा है। फ्यूचर ऐसा कुछ है नहीं, थोड़े बड़ी स्क्रीन ले आए हैं, थोड़ी चीजें आपको यहाँ बैटरी इंप्रूव हो गई है, परंतु ऐसा कोई खास इंप्रूवमेंट हमारे को देखने को नहीं मिला है। तो आप बताइए क्या आप इंटरेस्टेड हैं अभी भी इससे परचेस करने में, तो कमेंट कीजिए और बताइए। बात करें अगली डेली डोज की, तो अगला डेली डोज आ रहा है सैमसंग गैलेक्सी 8 से, जी हाँ नोट 8 से आने। यहाँ पर जो नोट 8 है उसके अंदर अब बोला जा रहा है कि नया अपडेट आने वाला है, कुछ लीक सामने आए हैं और ये लीक्स कहते हैं कि यहाँ आपको सुपर स्लो मोशन और AR इमोजीज देखने को मिलेगी, यह आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं। तो यहाँ ये नया अपडेट जल्दी आपको देखने को मिल जाएगा। तो यहाँ पे बोला जा रहा है कि फ्रांस में ये अपडेट आ चुका है और देखते हैं कब तक ये और जगह रोल आउट होता है और क्या क्या यहाँ हमारे को स्लो मोशन के अंदर फ्यूचर देखने को मिलते हैं, साथ ही साथ AR इमोजीज के अंदर भी क्या क्या देखने को मिलता है। तो बताइए क्या आप यूज करते हैं नोट 8 और क्या आपके लिए फ्यूचर मायने रखता है कि नहीं, कमेंट करके जरूर से बताइएगा। बात करें अगली डेली डोज की, तो अगला डेली डोज आ रहा है गूगल की तरफ से। यहाँ पर गूगल ने हाल ही में टीज किया है, गूगल प्ले स्टोर पे यहाँ पर एक पेज सामने आया है जैसा आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं। यहाँ लिखा स्टे ट्यून और 3 नंबर लिखा और साथ में लिख रखा अक्टूबर 9 और सारी चीजें। यहाँ पर अब लग रहा है कि कंफर्म लग रहा है कि आपको पिक्सल 3 देखने को मिल सकता है और पिक्सल 3 XL भी देखने को मिल सकता है, साथ ही साथ और प्रोडक्ट भी यहाँ हो सकते हैं लॉन्च। तो देखते हैं क्या होता है 9 तारीख को और क्या क्या चीजें हमारे को देखने को मिलती है। तो आप बताइए कि क्या सोचते हैं, क्या आपको लगता है नोच वाला आएगा, बिना नोच वाला आएगा, या फिर और कुछ आपको लगता है कि यहाँ कुछ और लेके आने वाला है गूगल, तो कमेंट कीजिए और बताइए। बात करें अगली डेली डोज की, तो अगला डेली डोज आ रहा है नोकिया से। यहाँ पर नोकिया 9 की एक नई लीक सामने आई है और ये लीक कहती है कि जो आने वाला हैंडसेट है उसमें आपको मिलेगी 4150 mAh की बैटरी। जी हाँ मतलब बड़ी बैटरी है, आपको 5 कैमरा बोला जा रहा है इसमें मिलेगा और देखते हैं क्या क्या यहाँ हमारे को देखने को मिलता है। 845 तो मिलना ही है, पता नहीं मिलेगी नहीं, देखते हैं। 845 तो लगता है मिलेगा क्योंकि कॉमन सी चीज है और देखते हैं क्या क्या यहाँ और फीचर देखने को मिलते हैं। तो वेट करते हैं जल्दी ये भी आ जाएगा और किस प्रकार से 5 कैमरा काम करेगा वो देखना होगा। तो आप बताइए क्या आप इंटरेस्टेड हैं इस मोबाइल में, या फिर आप सोच रहे हैं कि LG लाने वाला 3 कैमरा वाला तो हम उसमें जाएंगे, तो कमेंट कीजिए और बताइए। चलिए देखते हैं अगला डेली डोज। अगला डेली डोज आ रहा है LG की तरफ से। यहाँ पर हम जानते हैं LG लाने वाला है V40 ThinQ और हम इसके बहुत सारे फोटो देख चुके हैं। यहाँ पर अब फाइनली कंपनी ने ऑफिशियली ये कहा है कि ये होने वाला है लॉन्च 4 अक्टूबर को। जी हाँ इसी साल 4 तारीख को आपको ये देखने को मिल जाएगा। यहाँ पर जो हाल ही में इन्होंने टीज किया है उसके अंदर ये मालूम पड़ा है कि आपको 3 कैमरा तो मिलना ही है और यहाँ जो कैमरा सेटअप होने वाला वो है नॉर्मल वाइड एंगल वाला, यानी अल्ट्रा वाइड लग रहा है हमारे को, और यहाँ पे आपको मिलेगा 2x ऑप्टिकल जूम जो कि एक लाजवाब चीज है। और यहाँ देखते हैं क्या होती है इसकी प्राइसिंग और क्या फीचर देखने को मिलते हैं। हमारे को तो लगता है वही कॉमन फीचर आपको देखने को मिलेंगे जैसे 845 का चिपसेट, 4GB रैम या हो सकता है 8GB की रैम देखने को मिल जाए, 512 हो सकता है यहाँ देखने को मिल जाए, देखते हैं क्या होता है। परंतु हाँ LG V40 ThinQ के अंदर हमारे को कुछ ना कुछ इस बार लाजवाब देखने को मिलेगा। तो वेट करते हैं 4 अक्टूबर का और देखते हैं क्या ये लेके आते हैं और उसके बाद देखते हैं 9 तारीख को गूगल क्या लेके आती है। और हाँ आप बताइए कौन सा आप परचेस करना पसंद करेंगे, यानी 5 वाला, 3 वाला या फिर गूगल पिक्सल के आने वाले स्मार्टफोन, तो बताइए जरूर से कमेंट के द्वारा। बात करें अगली डेली डोज की, तो अगला डेली डोज आ रहा है वोल्वो की तरफ से। इन्होंने हाल ही में टीज की है अपनी वेरा, जी हाँ यहाँ इन्होंने कुछ फोटोज रिवील की हैं और ये एक फुल इलेक्ट्रिक ऑटोनोमस ट्रक है। जी हाँ ये ट्रक है और आप जैसा अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं बहुत किलर इसका लुक है, यहाँ पर ये एकदम सेक्सी लग रही है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कितने गजब के इसके एरोडायनामिक्स हैं, साथ ही साथ यहाँ आप देखेंगे हेडलैम्प्स वो भी बहुत गजब के लग रहे हैं। ओवरऑल यहाँ पर कोई केबिन नहीं है तो ये लाइट वेट है और आराम से कंटेनर जो भी पीछे लगाएंगे ये कंटेनर वो भैया बहुत लाजवाब बहुत गजब की स्पीड पर जाने वाला है। यहाँ पर कंपनी का कहना है कि अभी तो ये स्टार्ट है और देखिए क्या क्या होता है आगे। तो मतलब कि ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्रीज के अंदर हम आने वाले टाइम में और गजब गजब के ऐसी ही टेक्नोलॉजी देखने को वाले हैं। तो आप बताइए क्या सोचते हैं इस इलेक्ट्रिक ट्रक के बारे में और क्या आपको ये इलेक्ट्रिक ट्रक पसंद आया और क्या आप ऐसा ट्रक इंडिया में जरूर से देखना पसंद करेंगे क्या, कमेंट कीजिए और बताइए। बात करें अगली डेली डोज की, तो अगला डेली डोज बहुत लाजवाब है। यहाँ पे लाजवाब क्यों बोला, क्योंकि ये आ रहा है इसरो से। जी हाँ यहाँ पर इसरो ने बड़ा गजब का काम किया है। यहाँ पर ब्रिटिश की 2 सैटेलाइट ये लेके जाने वाले हैं अपने PSLV रॉकेट के अंदर और यहाँ आप देख रहे हैं कि बड़ी बड़े
कंट्रीज से अब हमारे पास आ रहे हैं, भैया ले जाओ ले जाओ, गूगल आया था ले जाओ। तो ये बड़ी अच्छी न्यूज है और ऐसी न्यूज सुन के हर टाइम खुशी होती है। तो यहाँ पे ये दो ब्रिटिश सैटेलाइट ले जाने वाले और हमारी शुभकामनाएं हैं। और भैया आप बताइए आप क्या सोचते हैं इसके बारे में, कमेंट कीजिए और बताइए। वहीं बात करें इसकी सेकंड इसरो की न्यूज की, तो यहाँ ये न्यूज आ रही है कि इसरो ने और जियो ने हाथ मिलाया है, कोलेबोरेशन किया है। और यहाँ पे बोले जा रहे हैं कि जियो अपने 4G सर्विस को रूरल एरिया के अंदर ज्यादा से ज्यादा अच्छी तरीके से ले जाने के लिए यहाँ इसरो की सेटेलाइट का मदद लेना चाह रहा है। तो यहाँ पर आने वाले टाइम में आप देखेंगे कि जो रूरल एरियाज हैं वहां आपको बहुत तगड़ा नेटवर्क मिलेगा। तो देखते हैं कब तक होता है। परंतु ये एक और लाल जवाब न्यूज आई है, तो बताइए क्या सोचते हैं इसके बारे में और क्या आप भी चाहते हैं कि भैया रूरल एरियाज के अंदर अच्छे से अच्छा 4G नेटवर्क हमारे को देखने को मिला है। तो कमेंट कीजिए और बताइए। बात करें अगली डेली डोज की, तो अगला डेली डोज भी बहुत लाजवाब है। यहाँ पे कुछ रिसर्चर्स ने एक रोबोट डिजाइन किया है जो उड़ सकता है, यानी आपने वो देखिए ना अपने मक्खी, इसी तरह से ये उड़ता है जैसे आप अपनी स्क्रीन पे फोटो देख सकते हैं। यहाँ पे ये कुछ इस प्रकार से मिलेगा। यहाँ पे इनका कहना है जब भी ये फुल्ली चार्ज होगा तो ये आपको 5 मिनट के उड़ने का टाइम दे देगा। और ये अभी तो कम है परंतु हो सकता है आने वाले टाइम में हमारे को और अच्छी यहाँ दिखे। परंतु यहाँ आप देख सकते हैं कि एक अब रोबोट बना लिया है जो उड़ सकता है, और बिल्कुल जैसे मक्खी उड़ती है इसी तरीके से यहाँ ये उड़ सकता है। तो एक लाजवाब चीज है। और यहाँ पे अगर आपको इसका वीडियो देखना है तो आप नीचे जाइए और वहां आप इसका अगर वीडियो देखेंगे तो आप बहुत खुश होंगे, क्योंकि इतनी गजब का ये रोबोट है जिसकी हद नहीं। और आप बताइए जब वीडियो देखें उसके बाद जरूर से बताइए क्या सोचते हैं इसके बारे में और कैसा लगा ये आपको रोबोट। तो कमेंट कीजिएगा और बताइएगा जरूर से। बात करें अगली डेली डोज की, तो अगला डेली डोज भी बहुत लाजवाब है। और यहाँ पे एक रोबोट है, यानी जो आपने देखा होगा ना प्रोडक्शन के लिए इंडस्ट्रीज के अंदर रोबोट काम में आता है, वो रोबोट को इस तरह से डिजाइन किया है कि वो बना लेता है यहाँ पर डिजाइन। आप जैसा इमेज में देख सकते हैं यहाँ पर ये स्ट्रिंग आर्ट बना लेता है। और स्ट्रिंग आर्ट बनाना एक डिफिकल्ट चीज है, यहाँ लगती तो बड़ी सिंपल है पर इसमें स्किल को बहुत यूज होता है। और यहाँ पे एक परफेक्ट स्ट्रिंग आर्ट बनाना बड़ा डिफिकल्ट होता है, परंतु ये रोबोट एकदम इजीली बना लेता है। तो ये एक और लाजवाब न्यूज है और आप क्या सोचते हैं इसके बारे में जरूर से बताइएगा। बात करें अगली और फाइनल डेली डोज की, तो अगला फाइनल डेली डोज भी लाजवाब है। यहाँ पर न्यूज आ रही है कि कुछ डॉक्टर्स ने AI एल्गोरिथम को और इम्प्रूव करके एक सिस्टम बनाया है जो पता लगा लेगा निमोनिया को। जी हाँ, यहाँ बोला जा रहा है कि इसकी एक्यूरेसी बहुत लाजवाब है और जो कॉमन एरर्स होते हैं ह्यूमंस के द्वारा तो उसमें 33% यहाँ रिड्यूस देखा है, जो कि एक लाजवाब चीज है। और हाँ बोला जा रहा है कि ये जल्दी हो सकता है आपको किसी ना किसी हॉस्पिटल में देखने को मिल जाए। तो यहाँ आप देख रहे हैं कि गजब गजब का हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के अंदर वर्क देख रहे हैं। अब यहाँ पे ये सिस्टम बनाया गया है जो निमोनिया का फटाक से पता लगा लेगा। और यहाँ पे ये ऑटोनोमस नहीं है, यानी ह्यूमन और इंसान, ह्यूमन और AI को यूज लेकर ये काम हो रहा है। तो ये एक लाजवाब चीज है और देखते हैं किस प्रकार से आने वाले टाइम में हमारे को और फ्यूचर देखने को मिलते हैं और क्या क्या हमारे को यहाँ इंप्रूवमेंट देखने को मिलते हैं। तो आप बताइए क्या सोचते हैं इस फाइनल डेली डोज के बारे में, कि आपको ये अच्छी लगी और कैसा लगा आज का डेली डोज, ये भी बताना ना भूलिएगा कमेंट के द्वारा। तो मिलता हूं मैं आपसे अगले वीडियो में, आशा करूंगा आपको ये डेली डोज पसंद आया होगा। मैं था आपका दोस्त अमन साड़ा, भारत माता की जय।